हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। डेली 10 सिनोनिम्स। डेली 10 सिनोनिम्स की सीरीज़ में आज आपका पार्ट 31 है। इससे पहले 30 पार्ट बनाए गए हैं जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक आपको वहां पर मिल जाएगा। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। डेली 10 सिनोनिम्स की जो सीरीज़ चल रही है, अगर उसको आप हम डेली देखते रहते हैं और रिवीजन करते रहते हैं तो आपका वोकैब पोर्शन स्ट्रांग हो जाएगा, और इसमें ऑप्शंस के भी हिंदी अर्थ आपको बताए जाते हैं, तो ये एक अच्छा खासा पैकेज आपके लिए रेडी हो जाता है। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट सिनोनिम्स है हमारा इरप्शन। इरप्शन का हिंदी अर्थ होता है विस्फोट। अब इसके ऑप्शंस की मीनिंग को देख लेते हैं। हेट, हेट मतलब होता है नफरत या घृणा। ब्रस्टिंग इन यानी कि फूटना या फटना। इंटरफेरेंस यानी कि दखल अंदाजी। अल्ट्रैक्शन यानी कि तकरार। इरप्शन, इसका हिंदी अर्थ होता है विस्फोट। जब हम ऑप्शंस में देखते हैं तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है ब्रस्टिंग इन, इसका हिंदी अर्थ होता है फटना या फूटना, जो कि इसका नियरेस्ट सिनोनिम्स है इरप्शन का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट सिनोनिम्स पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा एस्लॉन। इसका हिंदी अर्थ होता है श्रेणीबद्ध करना। श्रेणीबद्ध करना। अब इसके ऑप्शंस की मीनिंग को देख लेते हैं। रैंक, रैंक का हिंदी अर्थ होता है क्रमबद्ध करना। क्रमबद्ध करना। अपोनेंट यानी कि प्रतिद्वंदी। फॉलोअर, फॉलोअर का हिंदी अर्थ होता है अनुयायी। आइडेंटिटी यानी कि पहचान। एस्लॉन के हिंदी अर्थ श्रेणीबद्ध करना के सेंस में हम जब ऑप्शंस को देखते हैं तो हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि रैंक का भी हिंदी अर्थ होता है क्रमबद्ध करना या फिर श्रेणी में क्रमबद्ध करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि ये इसका नियरेस्ट सिनोनिम्स है। नेक्स्ट सिनोनिम्स पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिवरिकेट। इसका हिंदी अर्थ होता है छल कपट करना। ऑप्शंस को देख लेते हैं। एंटीसिपेट, इसका हिंदी अर्थ होता है आशा करना या आशा रखना। लाई यानी कि झूठ। डिले यानी कि देर या देरी। ऑथेंटिकेट, इसका हिंदी अर्थ होता है प्रमाणित। प्रिवेरिकेट के हिंदी अर्थ छल कपट को जब हम ऑप्शंस में देखते हैं तो हमारा नियरेस्ट सिनोनिम्स होगा यहां पर सेकंड ऑप्शन लाई यानी कि झूठ, क्योंकि झूठ बोलना भी छल कपट का ही सेंस देता है। तो हमारा नियरेस्ट सिनोनिम्स हो जाएगा लाई, और राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट सिनोनिम्स पर देखते हैं। नेक्स्ट सिनोनिम्स है हमारा एक्स्यूड। इसका हिंदी अर्थ होता है पसीना निकलना। ऑप्शंस को देखते हैं। ओजी, इसका हिंदी अर्थ होता है टपकना। विदर, इसका हिंदी अर्थ होता है मुरझाना। ओवरफ्लो, ओवरफ्लो का हिंदी अर्थ होता है बाढ़ या फिर अधिकता। इवेपोरेट, इसका हिंदी अर्थ होता है लुप्त हो जाना, लुप्त हो जाना। एक्स्यूट के अगर हम हिंदी अर्थ पसीना निकलना के सेंस में जब ऑप्शंस को देखते हैं तो हमारा यहां पर राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन ओजी, क्योंकि इसका हिंदी अर्थ होता है टपकना। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सिनोनिम्स है हमारा प्रिकेरियस। इसका हिंदी अर्थ होता है अनिश्चित। अब इसके ऑप्शंस की मीनिंग को देखते हैं। फर्स्ट है ब्रिटल, इसका हिंदी अर्थ होता है नाजुक। पैरलस, इसका हिंदी अर्थ होता है जोखिम। क्रिटिकल, क्रिटिकल का हिंदी अर्थ होता है संकटपूर्ण या फिर नाजुक, संकटपूर्ण या फिर नाजुक। कॉशियस, इसका हिंदी अर्थ होता है सतर्क। प्रिकेरियस का हिंदी अर्थ होता है अनिश्चित,
और जब हम ऑप्शंस में देखते हैं तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा क्रिटिकल, यानी कि संकटपूर्ण, जिसके बारे में आप अभी कोई निश्चित तौर पर कुछ कह नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट सिनोनिम्स है हम यहाँ पर हमारा मिलेस। मिलेस का हिंदी अर्थ होता है अस्वस्थता। ऑप्शंस को देख लेते हैं। स्टैग्नेशन, इसका हिंदी अर्थ होता है स्थिरता। स्पाइट, इसका हिंदी अर्थ होता है विरोध। कर्स, इसका हिंदी अर्थ होता है अभिशाप। और सिकनेस यानी कि अस्वस्थ। अब यहां पर हम मिलेस के हिंदी अर्थ को देखते हैं अस्वस्थता, तो हमारा जो ऑप्शंस में राइट आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन होगा, क्योंकि इसका भी हिंदी अर्थ होता है अस्वस्थ या अस्वस्थता, तो सिकनेस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सिनोनिम्स पर आते हैं। वोग, इसका हिंदी अर्थ होता है प्रचलन। ऑप्शंस को देख लेते हैं। फैशन यानी कि प्रचलन, रिजेक्शन यानी कि नकारना, ऑर्डर यानी कि आदेश, सेटिस्फेक्शन यानी कि संतुष्टि। वोग का हिंदी अर्थ होता है प्रचलन। जब हम ऑप्शंस में देखते हैं तो हमारा राइट आंसर होगा फैशन, क्योंकि जो वर्तमान में चल रहा होता है उसे बोलते हैं फैशन यानी कि प्रचलन। हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सिनोनिम्स पर आते हैं। नेक्स्ट सिनोनिम्स है हमारा इम्प्रेग्नेट। इम्प्रेग्नेट का हिंदी अर्थ होता है भरना या फिर प्रभाव। ऑप्शंस को देख लेते हैं। कॉन्सिल, इसका हिंदी अर्थ होता है छिपाना। सफर, सफर का हिंदी अर्थ होता है भुगतना। एफेक्ट यानी कि प्रभावित। और कॉन्क्लूड, इसका हिंदी अर्थ होता है निष्कर्ष। इम्प्रेग्नेट के जब हम हिंदी अर्थ भरना और प्रभाव दोनों को देखते हैं तो हमें जो ऑप्शंस में राइट सिनोनिम्स मिलता है वो होगा यहाँ पर सी ऑप्शन यानी थर्ड ऑप्शन, एफेक्ट। एफेक्ट का हिंदी अर्थ होता है प्रभाव या प्रभावित, तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट सिनोनिम्स पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेलीगेट। डेलीगेट का हिंदी अर्थ होता है प्रतिनिधि। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑफिसर यानी कि अधिकारी, पार्टिसिपेंट यानी कि प्रतिभागी, मेंबर, मेंबर का हिंदी अर्थ होता है सदस्य, रिप्रेजेंटेटिव, इसका हिंदी अर्थ होता है प्रतिनिधित्व करने वाला, प्रतिनिधित्व करने वाला। जब हम डेलीग्रेट के हिंदी अर्थ प्रतिनिधि को देखते हैं और ऑप्शंस में सबसे नियरेस्ट सिनोनिम्स को देखते हैं तो फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर होगा, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव का हिंदी अर्थ होता है प्रतिनिधित्व करने वाला या प्रतिनिधि, तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट सिनोनिम्स देखते हैं। एबेंडन, इसका हिंदी अर्थ होता है छोड़ देना या त्याग देना, त्याग देना। ऑप्शंस को देखते हैं। एडमिट, एडमिट का हिंदी अर्थ होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना। रिफ्रेन यानी कि बचना। एब्स्टेन, एब्स्टेन का हिंदी अर्थ होता है अलग रखना या अलग करना। फोरसेक, इसका हिंदी अर्थ होता है त्यागना। जब हम एबंडन के हिंदी अर्थ त्यागना को देखते हैं तो हमको जो ऑप्शंस में राइट सिनोनिम्स मिलता है वो फोर्थ ऑप्शन है, फोरसेक, क्योंकि इसका भी हिंदी अर्थ होता है त्यागना, तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ये आज के 10 सिनोनिम्स थे और ये पार्ट 31 था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।